दिल्ली की जनता के पास आप कहीं पर भी चले जाएं, जितना प्यार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से करती है, उनके विधायकों से करती है, शायद आज तक देश के इतिहास में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। दिल्ली की जनता को और उन राजनीतियों को जरूर पता लगा है कि ऐसा घृण कार्य नहीं करना चाहिए कि कहीं पर यदि आप हार रहे हैं तो दिल्ली को चुनाव को टालने के लिए जो ये साजिश रची जा रही है ये बहुत निंदनीय है। विरोधियों का काम होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, हम ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अंदर पढ़ते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है और ये सिर्फ इस समय में दिल्ली के अंदर जो खेल खेला जा रहा है मेरी समझ में, क्योंकि मेरे पास दो दिन से लगातार लोग आ रहे हैं और वो अपना जो फीडबैक दे रहे हैं वो उन सभी को एक ही आशंका है, ये सिर्फ साजिश इस समय में जो दिल्ली के अंदर रची जा रही है ये दिल्ली को चुनाव को टालने के लिए रची जा रही है, ये मैं देख रहा हूँ। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली न्यूज लाइव और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल जी मौजूद हैं, तो आइए चलिए हम उनसे जानते हैं उनके कार्यकारी के बारे में। सर, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली न्यूज लाइव में। धन्यवाद सर। आप हमें बताइए कि ये जो आपका 5 साल का जो टेन्योर है वो अब खत्म होने वाला है, तो इस 5 साल में आपने क्या कार्य किए? 5 साल के अंदर हम लोगों ने जनता के लिए बहुत से कार्य किए। एक तो हमारे घोषणा पत्र के अंदर जितने भी कार्य थे उनको तो हमने किया ही, उसके अलावा जितने भी हमारी सोच थी, जब हमारे पास पैसा सरप्लस हो गया तो जनता के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री देने, अंदर सवारी फ्री करवाने का, ये हम लोगों ने संकल्प लिया और उसको पूरा किया। और हमारे घोषणा पत्र के अंदर कहीं पर ये नहीं था कि कहीं पर हम फ्रिस्ते योजना लागू करेंगे, उसको भी हम लोगों ने दिल्ली के अंदर लागू किया। और दिल्ली के अंदर उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी हम लोगों ने लोगों को सुविधाएं दी हैं ये भी हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। घोषणा पत्र के अलावा जो हम लोगों ने ये कार्य किए हैं ये हम लोगों ने अपनी ईमानदारी के बल के ऊपर किया है, जबकि हमें रोंदने की बहुत कोशिश की लेकिन जनता ने हमें जो भरपूर प्यार और सहयोग दिया था उसी के बलबूते पर हम ये कार्य करते जा रहे हैं। सर, आपने बात किया फ्री बस सर्विसेज की, तो क्या आपकी सरकार अगर आगे आती है तो क्या यही सुविधा लोगों को फिर से मिलेगा? ज़रूर मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमने आज तक जितनी भी योजनाएँ लागू की हैं उनको निरंतर जारी रखा है और अगली टर्म के अंदर भी हम ये सभी के सभी योजनाएं लागू रखेंगे, ये मैं दावे से नहीं पूरे विश्वास के साथ आपको बात कह रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक जैसा प्लान आपकी सरकार ने लाया, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मोहल्ला क्लिनिक का हम जो कंसेप्ट लेके आए आपके समक्ष है, आज मोहल्ला क्लिनिक की भारत में ही नहीं आज पूरे विश्व के अंदर चर्चा होती है। पहले कहते थे कि स्वास्थ्य के बारे में यदि बात करनी है तो अमेरिका वालों से करो, अमेरिका वालों से सीखो, आज अमेरिका वाले दिल्ली के अंदर आकर आपके मोहल्ला क्लिनिकों को विजिट करते हैं। और आपने देखा होगा कॉफी अनान साहब ने, जो महाशिव थे, उन्होंने भी कितनी तारीफ़ की कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिकों की बहुत ज़रूरत है और ये भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार ने कार्य करके दिखाया। सर, हॉस्पिटल की आप बात करते हैं कि आप फ्री में दवाइयाँ देंगे और भी तमाम सारी बातें, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में दवाई तो मिल रही है लेकिन पर्याप्त मात्रा में दवाई अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में अभी भी। ये आरोप गलत है कि पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं मिल रही। हाँ, बाहर फेंकने के लिए नहीं है, बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो ज़्यादा दवाइयाँ लेके जाने के पक्ष में होते हैं और बाहर उनको फेंकते हैं। ये दवाइयाँ ज़रूरत की हैं, व्यक्ति को जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी मिलती रहें तो वही अच्छा लगता है। और आप एक भी जो सीरियस मरीज है उसके मान लो 10 दिन की दवाई की ज़रूरत है तो 1 टाइम के अंदर उसको 10 दिन की दवा मिलती है। कोई कहे कि आप एकदम से 2 महीने की दवा दे दें तो 2 महीने की दवा नहीं देता है, यदि उसको 15 दिन की 20 दिन की भी ज़रूरत है और डॉक्टर ने लिखा है
कि आपको 20 दिन के बाद से फिर से चेकअप करवाना है तो वो उसको 20 दिन की दवाई दी जाती है। आपके सरकार का आगे का एजेंडा क्या होगा? और आपने बात की एजेंडा की तो उसमें एक वाईफाई भी शामिल था। वाईफाई का हमारा लागू कर दिया गया है सिस्टम, आपको पता है, और मुझे पूरी खुशी होती है इस बात के लिए। और आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता के पास आप कहीं पर भी चले जाएं, जितना प्यार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से करती है, उनके विधायकों से करती है, शायद आज तक देश के इतिहास में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। और सर, अभी जो हाल में जो माहौल चल रहा है देश का, दिल्ली का, हर जगह, ये किसी से छिपा नहीं है, ये जो कैब है इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के चुनावों को टालने की मुझे साजिश सामने नज़र आ रही है, और आप मेरी इस बात को आपके चैनल पर दिखाना ज़रूर, और ख़ास तौर पर इसको आप टैग लाइन करके यदि दिखाओगे तो शायद दिल्ली की जनता को और उन राजनीतियों को जरूर पता लग गया है कि ऐसा घृण कार्य नहीं करना चाहिए कि कहीं पर यदि आप हार रहे हैं तो दिल्ली को चुनावों को टालने के लिए जो ये साजिश रची जा रही है ये बहुत निंदनीय है। अपोजिशन के जो नेता हैं वो आम जो MLA हैं, विधायक हैं, इससे आम आदमी पार्टी समानतुल्ला खान उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बहुत कहा, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। विरोधियों का काम होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, हम ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अंदर पड़ते नहीं हैं। मैंने आपको जो कहा है, आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है, और ये सिर्फ इस समय में दिल्ली के अंदर जो खेल खेला जा रहा है मेरी समझ में, क्योंकि मेरे पास 2 दिन से लगातार लोग आ रहे हैं और वो अपना जो फीडबैक दे रहे हैं वो उन सभी को एक ही आशंका है, ये सिर्फ साजिश इस समय में जो दिल्ली के अंदर रची जा रही है ये दिल्ली को चुनाव को टालने के लिए रची जा रही है, ये मैं देख रहा हूँ। ये जो जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है तो उनको आप क्या संदेश देना है? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कृपया लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है और उस प्रक्रिया को आप पूरा होने दीजिए, क्योंकि फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव ड्यू हैं और सही समय के ऊपर वो चुनाव हो जाना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता को फिर से नई चुनी हुई सरकार मिले, यही मैं कहना चाहूँगा। और आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ पर ये कुछ भी कर रहे हैं सर, अपने क्षेत्र के बारे में बता दीजिए, आपने क्या क्या काम किया अपने क्षेत्र? मैंने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत काम किए हैं। मेरे यहाँ पर 3 वार्ड ऐसे थे जिनके अंदर सीवर लाइन नहीं होती थी, और उन 3 वार्डों के अंदर वो सीवर लाइन का मेरा कार्य चालू है। NGT के यार्ड के अंदर पॉल्यूशन के नाम पर दिल्ली के अंदर 2 महीने कार्य रोक के रखा है, जो कि कम से कम मेरा वो कार्य 60% से वो 90% के ऊपर पहुँच चुका होता, बहुत स्पीड थी काम की। आज उन्होंने वो काम को रोका है और अब भी जो आदेश मिला है 6 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कंस्ट्रक्शन का काम करिए, रोड बनाने का, सीवर लाइन डालने का कार्य दिन में नहीं हुआ करता, ये शाम के समय में होता है जब पब्लिक आवाजावा कम हो जाता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि कहीं पर भी इस बात की सुनवाई या आपका चैनल इतना हिट होता हो तो इसको दिखाना जरूर कि ये पोल्यूशन के नाम पर दिल्ली के विकास कार्यों को प्लीज मत रोकें, ये जनता का कार्य है, जनता के कार्यों को होने दें आप। और मेरे यहाँ पर 14 कॉलोनियाँ ऐसी थी जिसके अंदर लोग टैंकर से पानी लिया करते थे, आज वो 14 की 14 कॉलोनियों के अंदर पाइपलाइन के जरिए टूटी से वो पानी जा रहा है और टैंकर मुक्त मेरा एरिया हो चुका है। उसके अलावा दिल्ली के अंदर जितने मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, मेरी रिठाड़ा विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलकर आपके लिए एक नया आयाम दिखाया है, जिससे कि मेरे क्षेत्र की जनता को आज वो सभी सुविधाएं मिल रही हैं जो बहुत अच्छा उनको लग रहा है। अनऑथराइज कॉलोनी भी एक बहुत बड़ा समस्या था दिल्ली के लोगों के लिए, जो आपकी सरकार ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। बिल्कुल, हमारी दिल्ली सरकार ने
इन कॉलोनियों को पास करने के लिए 2015 के अंदर वो फाइल भेजी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठीक चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले कॉलोनी पास करने का एक कार्य किया है, ढोंग रचा है जो आपके समक्ष है। मैं कहता हूं कि जब हमने 2015 में फाइल भेजी थी तो 2016 तक वो प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जैसा भी पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि मैं जब मानूंगा जब लोगों के हाथ के अंदर वो रजिस्ट्री होके आ जाती है। लेकिन इन कॉलोनियों को पास करवाने के लिए, क्योंकि कॉलोनी तभी पास होती है जब कॉलोनी के अंदर आपकी पानी की पाइपलाइन डल जाए, जब कॉलोनियों के अंदर आपके सीवर लाइन डल जाए, जब कॉलोनियों के अंदर आपकी बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाए, जब कॉलोनियों के अंदर आपके मोहल्ला क्लिनिक या स्वास्थ्य सेवाएं हो जाए, या कॉलोनी के अंदर जब स्कूल होते हैं, ये सभी सुविधाएं हम लोगों ने दी हैं। या सुरक्षा के लिए कॉलोनियों के अंदर गेट लग जाए, या सुरक्षा के लिए CCTV लग जाए, ये हम लोगों ने सुविधाएं दी हैं। ये प्रक्रिया है कॉलोनी को पास करने की, और अरविंद केजरीवाल जी ने और आपके इस विधायक ने ये काम करके दिखाया है, तभी ये कॉलोनी ये पास होने के आज का गार के ऊपर है। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली की जनता है, भोली भाली है। 2008 के अंदर शीला दीक्षित और सोनिया गांधी जी ने ठगा था इनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देके। आप इनको खाली दिलासा मत दें, इनको रजिस्ट्री दें, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली न्यूज़ लाइव और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।